हमारा जो आज की शाम है उसको शुरू कर दें जल्दी से, आप हमें कंट्रोल में रखें। रजनी शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट पर आ जाए, ओसीडी भिलवाड़ा ग्रुप नेक्स्ट, प्लीज 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 सर आप भी। महेश चौहान जी का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जोरदार तालियां हो जाए, स्वागत की घड़ी चल रही है प्लीज। बलराम शर्मा जी से कुकान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आ जाए। देशराज मेहरा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आ जाए। तैयार होना है कैसे वो मैं बता देता हूँ आप दोनों को, आप सभी को अपने दोनों हाथ इतने इतने ऊपर लेने हैं और उन दोनों हाथों को एकदम तैयार करके एकदम एनर्जी के साथ जोरदार वाली तालियां। हेलो, थैंक यू कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साउंड सिस्टम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत औसम सुपर और इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ इस मंच से माध्यम से एलएनजे ग्रुप के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम को और सबा खान जी को भी बहुत बहुत बधाई दे। रोड मिलते हैं और तुझे रिश्ते को सकून मिलते हैं और सबसे कोई किस्मत का मारा आता है बाबा तुम्हारे घर तो उसे कुछ न कुछ महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, उसी की मिसाल को कायम करते हुए आज हम लोगों ने फाग महोत्सव प्रिंस सोसाइटी के बैनर पर, जो कि एक एनजीओ है और मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, अध्यक्ष हूँ, और ये फाग महोत्सव का उद्देश्य हमारा यह है कि एक सांप्रदायिकता की सौहार्द जो अजमेर है इसकी मिसाल कायम रहे। इसमें आप देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं, सभी लोग उत्साह के साथ इस फाग उत्सव में भाग ले रहे हैं। इसमें फूलों के साथ होली खेली जाएगी, यहाँ पर एक गार्डन है जिसमें कि एक होलिका दहन का भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। इसके साथ साथ हमने जो अजमेर में और पूरे राजस्थान में पानी की जो किल्लत चल रही है उसको बचाने का भी संदेश दिया है और सिर्फ फूलों के साथ होली खेलने का निर्णय लिया है। ये हमारा एनजीओ काफ़ी सक्रिय है और गरीब लोगों की, असहाय लोगों की और वृद्ध महिलाओं की, बुजुर्गों की सेवा करता है। इसके जो संयोजक हैं उन लोगों ने, हम सब ने मिलकर के ये रखा है, इख्तदार खान जी, इंद्रजीत सिंह जी और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, 25 मेंबर्स हैं इसके। तो ये एक छोटी सी पहल हमारे द्वारा की गई है, हम चाहते हैं कि इसी तरह के प्रोग्राम अजमेर में होते रहें, हर त्यौहार पर होते रहें। तो जो एक मिसाल हमारी कायम है वो